हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन के इस चैनल पर। और आज हम आरएनएच एकेडमी की क्लास 8 की बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा और वहां से आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा। एक एक टॉपिक, एक एक चीज उसमें मैंने क्लियर करी हुई है। और साथ ही साथ ये भी बता देना चाहूंगा कि अगर वो लिंक कहीं डिलीट हो जाए तो आप सीधा YouTube पर जा सकते हैं। आपको Google ओपन करना है। अगर आपके पास YouTube का एप्लीकेशन है तो डायरेक्ट आप वहां पर कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप Google पे YouTube सर्च करेंगे। देखिए मैं सर्च करके आपको दिखा भी देता हूं। यस, देखिए मैंने सर्च किया YouTube, और YouTube जब ओपन होगा तो आपको यहां से ये YouTube वाला लिंक जो है यहां पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही जब आप क्लिक करेंगे इसको तो यहां पर YouTube ओपन हो जाएगा। देखिए ये YouTube ओपन हो गया है। अब यहां पर आपको सर्च करना है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। तो यहां पर सर्च किया मैंने कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। जैसे ही सर्च करेंगे तो पहला जो आएगा ये इस पे फोटो बनी हुई है मेरी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको इस पे ऊपर बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि यहां पे दिखाई पड़ रहा है होम मेन्यू दिखाई पड़ रही है, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट। तो आपको जाना है प्लेलिस्ट पर। सीधा प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहां पर क्लास 8 का एक आरएनएच नाम से पेज बना हुआ है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आरएनएच एकेडमी क्लास 8 के नाम से ये पेज बना हुआ है। आप मोबाइल पर भी इसी तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास यूट्यूब का पहले से एप्लीकेशन है तो वहां आप डायरेक्ट सर्च करके इस चीज को इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। चलिए इस शॉर्ट मैसेज के बाद आइए टॉपिक की बात कर लेते हैं। अपना वो टॉपिक जो कि आपका पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वायरलेस एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब बादल से नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड हियर। क्लाउड मतलब होता है इंटरनेट, जो चीजें इंटरनेट पे मौजूद हो उसे हम क्लाउड कहते हैं, और उस टेक्नोलॉजी के बारे में इसे इसमें हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, क्लाउड टेक्नोलॉजी। और यहां पर पहला है वायरलेस टेक्नोलॉजी। They were stumbling upon wires of networked computer or others personal communicating devices are going to be a thing of past. Very soon you will be working in a wireless environment where you will see the appliances lying but not a single wire. जल्द ही आपको कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ जो कि अब हो चुका है कि आप बिना तार के भी इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। पहले क्या होते थे, पहले तार लगाए जाते थे, वायर्स से कनेक्ट किया जाता था, तब हम बीएसएनएल का उस समय मुझे याद आता है ब्रॉडबैंड चलाया जाता था, तो हम क्या कर पाते थे, इंटरनेट को यूज कर पाते थे। अब देखिए अब हर जगह वायरलेस की बात होती है। अगर हम रेलवे स्टेशन पे चले जाएं तो वहां पर भी हमें वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है यूज करने के लिए, और वो वायरलेस होता है पूरी तरह से। तो इसी टेक्नोलॉजी के बारे में यहां बात कर रहा है, और वायरलेस का मतलब होता है जो बिना वायर के हो। तो इसी टेक्नोलॉजी के बारे में यह बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर इनविजिबली इंटरलिंक्ड, वो दिखाई न देने वाली आपस में जुड़ी हुई कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी होती है जो कि वायरलेस होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है, बिना वायर के होती है, एंड कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू शेयर डाटा एंड अदर कंट्रोल सिग्नल्स। और डेटा को शेयर करने के लिए ये काम में आती है ये सारी चीजें। और ये डेटा कैसे शेयर होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी से, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे ऐसे तार लगे होते हैं, ऐसे सिग्नल्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं, ऐसे वेव्स होती हैं जो इनको जोड़ के रखती हैं, और इनके थ्रू ये जुड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं, विच आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे। अच्छा, आपको वायर वाली पसंद है कि बिना वायर वाली, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वायर वाली जो इंटरनेट आती थी वो पसंद है या बिना वायर वाली। तो इस जो डेफिनेशन है इससे आपको क्लियर हो गया होगा, वायर वाला जो टेक्नोलॉजी था उसमें भारी भरकम में तार लगाने पड़ते थे, बहुत ज्यादा वायर खर्च होता था, इसके बाद फिर बहुत दिक्कत आती थी, वायर कहीं से टूट जाए तो फिर दिक्कत हो, तो ये सारी चीजों से हमें मुक्ति मिल गई। और मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर वायरलेस है, तो आप हमें जरूर बताएं कि कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी बेहतर है या वायर वाली टेक्नोलॉजी बेहतर है। चलिए अब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, ये नीचे लिखा हुआ। चलिए इंफ्रारेड की बात कर लेते हैं। इंफ्रारेड भी एक
किरणें और डेटा को शेयर करने के लिए ये काम में आती है ये सारी चीजें। और ये डेटा कैसे शेयर होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी से, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसे ऐसे तार लगे होते हैं, ऐसे सिग्नल्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं, ऐसे वेव्स होती हैं जो इनको जोड़ के रखती हैं और इनके थ्रू ये जुड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं, विच आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे। अच्छा, आपको वायर वाली पसंद है कि बिना वायर वाली, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वायर वाली जो इंटरनेट आती थी वो पसंद है या बिना वायर वाली। तो इस जो डेफिनेशन है इससे आपको क्लियर हो गया होगा, इन योर डेली लाइफ मेनी टाइम्स यू यूज इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, आप अपने डेली लाइफ में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज करते होंगे जरूर। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ रिमोट कंट्रोल you can switch off or on and control the operations of TV and air conditioner। यहाँ पर देखिए AC की बात कर लें, TV के remote की बात कर लें, तो इसमें infrared technology use होती है। इसके through हम दूर से ही, remote का मतलब ही होता है दूर से, remote का मतलब क्या होता है, what is the meaning of remote, remote का मतलब होता है दूर से, तो दूर से ही हम अपने channels को change कर देते हैं। आप देख सकते हैं, आप ने अगर टीवी यूज किया होगा, यूज करते ही होंगे जाहिर सी बात है, तो वहां पर आप दूर से रिमोट से चैनल चेंज कर लेते हैं और चैनल चेंज भी हो जाता है, तो वहां पर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। दीज डेज लैपटॉप्स एंड सेलुलर फोन्स आर ऑल्सो इक्विप्ड विथ IRDA, इट मीन्स टू से इंफ्रारेड इंटरफेस। Laptops and cellular phones are also equipped with IRDA, it means to say infrared interface. Okay, infrared ports to transfer data and communicate with each other. यानी कि कम्युनिकेशन के लिए, डेटा को एक फोन से दूसरे फोन में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना है या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करना है, तो पहले इंफ्रारेड आया करती थी, हम लोग पहले इंफ्रारेड यूज किया करते थे। ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड की जगह हम लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ था। लैपटॉप्स एंड सेलुलर फोन्स आर आल्सो इक्विप्ड विथ IRDA, इट मींस टू से इंफ्रारेड इंटरफेस। ओके, इंफ्रारेड पोर्ट्स टू ट्रांसफर डाटा एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए, डेटा को एक फोन से दूसरे फोन में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना है या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करना है, तो पहले इंफ्रारेड आया करती। सन इज सिंपल and easy but communicating devices must lie close to each other। तो जो दो मोबाइल फोन में डेटा हम शेयर करते थे या दो डिवाइसेस में डेटा शेयर करते थे उनका पास पास होना बहुत जरूरी होता था इस टेक्नोलॉजी के लिए, तो इस तरह से हम इसमें डेटा शेयर कर पाते थे। यूजुअली कॉल्ड अ लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, इसको यूजुअली अ लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस के नाम से जाना जाता था जो हम ये करते थे, टू बी एबल टू वर्क, अगर हमें काम करना होता था इसमें तो इस तरह से हम वर्क कर पाते थे। चलिए ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं। देखिए जो पांच प्रकार के नेटवर्क होते हैं, देखिए नेटवर्क पांच प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है लैन, लैन के भी पहले एक बात कर ले हम, जो होता है पैन, जिसे हम पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन में आ जाते हैं, तो पैन जो है, ब्लूटूथ जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की ही हम बात करने वाले हैं, अभी भी फोन्स में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक्स टू कनेक्ट एंड रिप्लेस द नेसेसिटी ऑफ केबल्स, यानी कि अब एक बात बताइए, आपको 2 मीटर के दायरे में भी अगर डेटा को ट्रांसफर करना होता था बहुत पहले, तो हम क्या करते थे, वायर्स का यूज करते थे, लेकिन ब्लूटूथ ने इसको काफी हद तक अवॉइड कर दिया। जब ब्लूटूथ आया तो हम 2 या 3 मीटर या 5 मीटर के रेंज में या 7 मीटर के रेंज में हम डेटा को ट्रांसफर इजिली कर सकते थे विदाउट वायर, तो ये ब्लूटूथ इसके लिए काफी यूजफुल था। और ब्लूटूथ जो है एक पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसकी रेंज लिमिटेड होती है, 7 से 10 मीटर की रेंज होती है इसकी। इट इनेबल्स वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेज, अगर ब्लूटूथ आप इनेबल करते हैं तो डेटा को शेयर कर पाएंगे, कहने का ये मतलब है। द डिवाइस कैन बी पीसीज लैपटॉप मोबाइल्स टेलीफोन्स एंड हेडसेट, डिवाइस जो इसके लिए यूज करी जाती हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स या सारे लैपटॉप्स में कह लें कि लगभग सारे लैपटॉप्स में इसका डिवाइस ड्राइवर भी हुआ करता है ब्लूटूथ का, और ब्लूटूथ से हम मोबाइल से लैपटॉप में या डेस्कटॉप में किसी भी चीज में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, हेडसेट में भी कर पाते हैं। डिजिटल कैमराज, MP3 प्लेयर्स, माइक्रोवेव्स, ओवेंस एंड सो ऑन, इस तरह की और भी चीजें जिसमें ब्लूटूथ होते हैं उनकी बात कर रहा है ये।
even the system unit of your computer can be paired with Bluetooth enabled wireless mouse, keyboard and monitor, so that there is a tangle of wires and parts can be placed even at a far distance from the system unit as per your convenient. तो हम अपने हिसाब से बिना वायर के चीजों को देख सकते हैं. जैसे आजकल तो टीवी वगैरह जो आ रहा है, जो स्मार्ट टीवी आ रहा है, उसमें भी ब्लूटूथ का काफी प्रयोग किया जाता है. तो ये सारी चीजें ब्लूटूथ से हो सकती हैं. मॉनिटर्स, इवन मॉनिटर में भी हम ब्लूटूथ का प्रयोग काफी ज्यादा करते हैं. तो ये आपके ब्लूटूथ का पूरा डिस्क्रिप्शन रहा. और ब्लूटूथ याद रखिएगा कौन सा नेटवर्क है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट ब्लूटूथ. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे कह रहा है, ब्लूटूथ by its nature is not designed for heavy transmission. बहुत बड़ा बड़ा transmission इससे नहीं करा सकते आप. And thus would not be a suitable technology for replacing LAN or WAN. Okay, so what is the full form of LAN? The another network that is CAN. And what is the full form of CAN? CAN means campus area network. And the another form of CAN means ki another type of network is LAN. So what is the full form of LAN? LAN means local area network. So every full form you have to know, you should have to know. Okay, so and what is the full form of WAN? Wide area network. The example of wide area network is can be Google. Okay, or LAN ka kya example ho sakta hai, jaise aap, hum log Devariya shahar ke rehne wale hain, to Devariya shahar ke railway station pe jo वाईफाई हम लोग यूज कर पाते हैं वो लैन टेक्नोलॉजी ही है. इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक की होती है. मैंने आपको ब्लूटूथ की रेंज बताई, ठीक है, इंफ्रारेड की रेंज की होती थी, ब्लूटूथ की रेंज 6 या 7 मीटर की होती थी, और लैन की जो रेंज है वो 1 किलोमीटर, और वैन की रेंज जो है कितनी होती है, अनलिमिटेड हो सकती है ये, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस विद इन विच ब्लूटूथ डिवाइसेज वर्क इज शॉर्ट. जो ब्लूटूथ डिवाइस की रेंज होती थी वो काफी शॉर्ट होती थी. विच मे बी सफिशियंट फॉर पर्सनल डिवाइस टू इंटरेक्ट बट नॉट फॉर लैन और वैन. जो काम लैन और वैन कर सकते हैं वो ब्लूटूथ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम होती है, ठीक है. तो इस चीज को याद रखिएगा. अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूटूथ के कुछ यूजर्स के बारे में बताया गया है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है, इफ योर पीसी और लैपटॉप इज नॉट ब्लूटूथ इनेबल्ड एंड यू वांट टू कनेक्ट अ ब्लूटूथ एसेसरीज लाइक द वायरलेस कीबोर्ड. अगर आपके पीसी या लैपटॉप जो है ब्लूटूथ इनेबल ना हो सके, उसमें ब्लूटूथ ना काम करता हो या ब्लूटूथ ना दिया गया हो, अ सेपरेट ब्लूटूथ एडाप्टर कैन बी ब्रॉट फ्रॉम एनी कंप्यूटर. सेपरेट जो है ब्लूटूथ का एडाप्टर आप ले सकते हैं, और इसमें दिया हुआ है एंड फिक्स्ड इन यूएसबी पोर्ट. तो कंप्यूटर का जो यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस. तो यू हैव टू नो आल्सो अबाउट यूनिवर्सल सीरियल बस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, ये भी आपको याद होना चाहिए. मैं बार बार पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर. तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. चलिए, लैपटॉप टू मेक इट ब्लूटूथ इनेबल्ड, तो उससे हम ब्लूटूथ इनेबल कर सकते हैं अपने लैपटॉप को, ठीक है. दीज एडाप्टर्स कम वेरी चीप, और ये जो एडाप्टर्स आते हैं काफी सस्ते आते हैं और इजिली इंस्टॉल्ड भी हो जाते हैं. अब ब्लूटूथ के यूजेस की बात कर लेते हैं. मेक कॉल्स फ्रॉम अ वायरलेस हेडसेट, इससे हम कॉल कर सकते हैं दूर रह करके, सेलफोन से दूर रह करके बात कर सकते हैं. आपको याद होगा कि ब्लूटूथ काफी ज्यादा यूज किया था. गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह ड्राइव करते वक्त लोग कान में एक ब्लूटूथ लगा लेते थे, और आज भी लगाते हैं, और उसके थ्रू वो मोबाइल थोड़ा दूर रख करके और वो बात कर लेते हैं. तो वो सारी चीजें इससे हो सकती हैं. एलिमिनेट केबल्स लिंकिंग कंप्यूटर्स टू प्रिंटर कीबोर्ड्स और माउस. अगर आपके पास एक प्रिंटर है और आपके पास तीन सिस्टम है, तो तीनों सिस्टम से अगर आपको प्रिंट देना हो तो ब्लूटूथ काफी आसान कर देता है. वायर वगैरह की जरूरत हमें नहीं पड़ती है. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्लूटूथ कितना हमारे लिए उपयोगी है. अब यहाँ दिया हुआ है, हुकअप MP3 प्लेयर्स वायरलेसली टूगेदर मशीन्स टू डाउनलोड म्यूजिक. म्यूजिक वगैरह डाउनलोड करने के लिए भी हम ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं, जो सेपरेट ब्लूटूथ आती हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ. सेटअप होम नेटवर्क्स, अगर आप होम नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो ब्लूटूथ का यूज करके होम नेटवर्क भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि एक
सिस्टम से ही सारे लोग जो है, सारे बच्चे, अगर बच्चे हों चार पांच घर में, तो उनको कोई एक यू देखना हो या कुछ ऐसी चीज देखनी हो, तो ब्लूटूथ काफी इसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो सारे डेटा को शेयर कर सकता है। कॉल होम फ्रॉम रिमोट लोकेशन टू टर्न अप्लायंसेज ऑन एंड ऑफ, सेट द अलार्म और मॉनिटर एक्टिविटी, तो बहुत सारी चीजें इससे कर सकते हैं। अब वाईफाई टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये टेक्नोलॉजी आने के बाद काफी ज्यादा डेवलप हो गया, इंटरनेट काफी ज्यादा बदल गया, तो बिना तार के हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते थे। फुल फॉर्म यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी एंड इज अ टर्म फॉर हाई स्पीड वायरलेस एक्सेस। तो हाई स्पीड में आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी को, ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग एनी वाईफाई इक्विप्ड डिवाइस हैविंग बिल्ट इन वाईफाई कैपेबिलिटी और वाईफाई एडाप्टर कार्ड, जो भी वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेज हैं, बाय रेडियो वेव्स, इसमें रेडियो वेव्स का यूज होता है, टू ईच अदर, और एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, ऐसे दो वाईफाई डिवाइसेज हों या दो से अधिक वाईफाई डिवाइसेज हों तो उनको रेडियो वेव्स के द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है, टू द इंटरनेट विदाउट वायर्स, और इसमें तार की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द ओनली कंडीशन दैट डिवाइस मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ वाईफाई सिग्नल, यही कंडीशन होनी चाहिए कि वाईफाई सिग्नल के एरिया में वो डिवाइस होनी चाहिए, तभी ये कनेक्ट होगा। चलिए हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट आजकल आप लोग यूज करते हैं, तो हॉटस्पॉट क्या है? तो हॉटस्पॉट इज अ जोन दैट इज इनेबल्ड विथ हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। जहां भी हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस मिलता है हमें, तो वो हॉटस्पॉट जोन हो सकता है, ठीक है। हॉटस्पॉट्स आर जनरली अवेलेबल एट कन्वीनियंट पब्लिक लोकेशंस, ठीक है, आप हजरतगंज चले जाइए तो वहां आपको हॉटस्पॉट मिल जाएगा थोड़ी देर चलाने के लिए। लखनऊ की हजरतगंज की बात करें, या आजकल तो स्टेशन पे भी काफी ज्यादा वाईफाई और हॉटस्पॉट ये सब चीजें चलती हैं, तो आप हॉटस्पॉट को यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि एज एयरपोर्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट यूजिंग आइदर अ लैपटॉप और हैंडहेल्ड पीडीए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप हॉटस्पॉट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट वगैरह पर भी जाते हैं, वहां पर होटल्स में जाते हैं, तो वहाँ हॉटस्पॉट का कनेक्शन आपको मिल ही जाता है और वहां से आप हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है? एक इंटरनेट का जो है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, जहां से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, उन्हें हम हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। अभी कोरोना काल चल रहा है, काफी ज्यादा कोरोना वायरस की स्प्रेड हो रही है चारों तरफ, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है इंडिया के, कि कोरोना का हॉटस्पॉट कहाँ है, कहाँ से ये कोरोना आया है चल करके, ठीक है, तो उस हॉटस्पॉट को सील किया जा रहा है। तो मेरी बात समझिएगा, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? जहां से चीजें निकल करके बाहर आ रही हो, ठीक है, एक कोई इसका सेंट्रलाइज नेटवर्क है, ठीक है, उसके टच में कोई दूसरा आया तो वो भी कनेक्ट हो गया, उसके टच में कोई दूसरा आया तो वो भी कनेक्ट हो गया, उसके टच में कोई दूसरा आया तो वो भी कनेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड हॉटस्पॉट। तो उम्मीद करता हूं कि हॉटस्पॉट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं हम वाई मैक्स टेक्नोलॉजी की। देखिए, ये वाई मैक्स टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोग वायरलेस मैक्सिमम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, यहां पर देख सकते हैं आप, फुल फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये फुल फॉर्म तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। मैं आप सबके कॉपी में ये देखना चाहता हूं, ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। होता क्या है, वाईफाई वाईमैक्स इज अ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्किंग। अगर आपको लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्किंग करनी है तो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड वाईमैक्स, तो वाईमैक्स और वाईफाई के बारे में डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है, तो यहां पर देख सकते हैं 50 किलोमीटर की रेंज कवर करती है। कौन सी, क्या कवर करता है 50 किलोमीटर का रेंज? वाईमैक्स जो है 50 किलोमीटर का रेंज कवर करता है और वाईफाई मात्र 30 मीटर का रेंज कवर करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और ये सारी चीजें मैं फ्रीक्वेंटली पूछूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब चीजें बाहर नहीं निकलनी चाहिए दिमाग से। द
increased range is due to the frequencies used and the power of transmitter. Thus, WiMAX technology will be useful to cover whole city for internet access. ये internet access किसे मिलता है? जो भी उस technology, यानि कि जो WiMAX technology है, जो उसका owner है, जो owner होगा, वो आपको जोड़ना चाहेगा, तो उस technology से आपको जोड़ पाएगा वो. ये एक पूरे city में फैला हो सकता है. ये WiMAX technology ऐसी एक technology है जो पूरे city में available होगी. लेकिन कब आपको मिलेगी? जब वो चाहेगा तब. जो उसका owner होगा, जो उसको चलाने वाला होगा, जो उसका मालिक होगा, जो WiMAX technology install करवाएगा, ठीक है? ये government भी हो सकती है. तो उन लोगों को ये WiMAX technology दी जाती है. इसके बाद बात कर लेते हैं GPS की, जिसे हम global positioning system के नाम से जानते हैं. Full form you should know, ठीक है? फुल फॉर्म तो आपको जानना ही है. तो फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन सैटेलाइट. इसमें क्या यूज होता है? सैटेलाइट यूज होता है. जैसे किसी गाड़ी में, गाड़ी अगर सपोज कीजिए आपकी कोई गाड़ी है, फोर व्हीलर गाड़ी है, और आपने उसको कहीं किसी बड़े उद्योग में या किसी जगह लगा दिया. जैसे सपोज कीजिए ट्रैवल एजेंसी में लगा दिया. अब ट्रैवल एजेंसी वाला गाड़ी लेके कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें मॉनिटर करते रहेंगे आप अपने मोबाइल के जरिए. आप उसको देखते रहेंगे, ठीक है, कि गाड़ी कहां है, कहां गई. जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रेंज में आपको गाड़ी चलवानी है, तो उस पर्टिकुलर रेंज से जैसे ही गाड़ी बाहर जाएगी, तुरंत आपको वो इंडिकेट करेगा. वो एक एक पल आपको इंडिकेशन देता रहेगा, गाड़ी चल रही है, गाड़ी कहां है. तो इस तरीके से हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का पता लगा सकते हैं. आजकल ये मोबाइल्स में बहुत ज्यादा आ रही है. इससे क्राइम को भी डिटेक्ट करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है हमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से. क्राइम भी बहुत ज्यादा जो बढ़ जाते हैं, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो इससे हम काफी हद तक क्राइम को भी प्रिवेंट कर पाते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए. तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. अब जीपीएस रिसीवर की बात करते हैं, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम रिसीवर. द यूजर रिसीविंग इक्विपमेंट इज टिपिकली रेफर्ड टू जीपीएस रिसीवर. इट प्रोसेसेस अ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट टू डिटरमाइन द यूजर्स पोजीशन एंड अदर पैरामीटर्स. तो जो मैंने पहले बताया कि इसको हम पता कर सकते हैं कि कहां पर हमारी गाड़ी गई या फिर कहां पर हमारा मोबाइल है, ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं बहुत ही इजीली. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इसे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं. आप इस वाले पोजीशन को एक बार पढ़ लीजिएगा. सेम चीज है जो मैंने बताया, वो चीज पहले ही आपको बता दी मैंने. इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा. अब देखिए, जैसे यहां पे व्हीकल ट्रैकिंग दिया हुआ है, कोई भी बाइक है उसको भी ट्रैक किया जा सकता है अगर उसमें जीपीएस लगा हुआ है. तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. कनेक्टिंग टू इंटरनेट ऑन मोबाइल फोन. अब इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा. तो ये लिखा हुआ है गॉन आर, यहां पे देखिए गॉन आर द डेज, ठीक है, व्हेन अ मोबाइल फोन्स वाज यूज्ड ओनली फॉर टॉकिंग एनीवेयर. वो दिन चले गए जब हम मोबाइल फोन का यूज केवल बातचीत करने के लिए करते थे. नाउडेज मोर देन टॉकिंग. अब मोबाइल फोन का यूज तो टॉकिंग तो है ही नहीं, हम तो ऑनलाइन बात करते हैं. ये सारी चीजें हम गाने सुनते हैं, उसमें म्यूजिक सुनते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, डिजिटल पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस, कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन क्लासेस, जैसा कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं. तो ये सारी चीजें तो मोबाइल से हो रही हैं. टॉकिंग तो बहुत कम हो रही है आजकल, ठीक है, लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल पे. स्मार्टफोन्स टुडे हैव स्पेसिफिकेशन लाइक सीपीयू, रैम, स्टोरेज स्पेस, ये सारी चीजें स्मार्टफोन में होती हैं. ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट्स, टाइप ऑफ डिस्प्ले, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा एंड इट्स जूम स्पेसिफिकेशन, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी, ये सारी फैसिलिटीज उसमें दी होती है मोबाइल फोन में जो आप लोग खरीदते हैं मार्केट से आजकल, ठीक है, चाहे वो रेडमी हो, एमआई हो, कोई भी फोन हो, ठीक है. दे हैव ऑलमोस्ट बिकम मिनिएचर वर्जन ऑफ कंप्यूटर्स. और ये जो मोबाइल फोन वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, ये छोटा वर्जन है कंप्यूटर का. अच्छा, कंप्यूटर थोड़ा बड़ा होता है डेस्कटॉप जो हम लोग यूज करते हैं, और मोबाइल फोन छोटा होता है, लेकिन है तो वो कंप्यूटर ही. तो ये बात उम्मीद है कि समझ में आई होगी. यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग अ मोबाइल फोन. मोबाइल फोन का यूज करके आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं. मैं तो अक्सर करता हूं. और यहां पर देखिए जीपीआरएस एक है, विद जीपीआरएस. तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस. तो ये भी फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है. और वाईफाई कनेक्शन, तो इनके जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूजिंग वाईफाई टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. तो वाईफाई से हम कैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं? अ सेल फोन विथ अ वाईफाई कैपेबल ऑफ यूजिंग नेट अ वेरी हाई स्पीड.
तो वही चीज की हमें बहुत ही हाई स्पीड प्रोवाइड होती है, अगर हम वाईफाई से इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई स्पीड में नेट चलाने के लिए यूज होती है। पहले 3G आया करता था, आजकल 4G हो गया है, हम लोग 5G पे काम कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा विकास हो रहा है इस फील्ड में, डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात कर रहा है। तो व्हाट इज मोबाइल ब्रॉडबैंड? मोबाइल ब्रॉडबैंड इज अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। तो मोबाइल ब्रॉडबैंड में भी काफी हाई स्पीड एक्सेस मिलती है हमें, ठीक है। यहाँ पर 3G 4G, तो 3G तो अब खत्म हो गई, अब तो 4G ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं 3G और 4G की बात कर लेते हैं। 3G का पूरा नाम क्या होता है? थर्ड जनरेशन। और 4G का क्या मतलब होता है? फोर्थ जनरेशन। तो ये भी बात याद रखिएगा आप। 3G जब चला करती थी तो नेट की स्पीड थोड़ी स्लो हुआ करती थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नेट का जो यूज है वो भी काफी बढ़ गया है। और इस इन चीजों के थ्रू हम क्या करते हैं, 3G या 4G का यूज करके वॉइस टेलीफोनी, वीडियो कॉल्स, ब्रॉडबैंड, वायरलेस डाटा, ये सब चीजें आदान प्रदान करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम लोग काफी यूज करते हैं इसका, इस नेटवर्किंग का। ये जो 3G और 4G नेटवर्क है इसका यूज करते हैं। 3G तो आजकल नहीं यूज होती उतनी, लेकिन 4G काफी यूज हो रही है। चलिए 3G कंसिडर्ड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। 3G भी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक हुआ करता था इंटरनेट का, इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे हम 3G अगर हमारे सिम कार्ड में इनेबल होता था तो। इसके बाद एंड इन फ्यूचर द 3G नेटवर्क एक्सपेक्टेड टू रीच स्पीड्स मोर देन 2 Mbps। 2 Mbps, देखिए यहाँ पे Mbps में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं Mbps का मतलब होता है मेगा बाइट्स पर सेकेंड और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब वो पैक लेके आते हैं तो कहते हैं कि अरे मेरा नेट तो काफी स्लो चल रहा है। 2 Mbps की स्पीड यानी मेगा बाइट्स वो समझ लेते हैं, लेकिन ये बिट है, कंप्यूटर के सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो बिट होती है, तो बी केयरफुल, ठीक है। और आजकल तो 4G स्पीड से जो नेट चल रहा है वो 4 Mbps, 5 Mbps, 6 Mbps, 10 Mbps ऐसी स्पीड्स आती हैं। चलिए 4G नेटवर्क्स हैव वेरी स्टैंडर्ड स्पीड, मे बी 500 टाइम फास्टर देन 3G। तो 3G से ज्यादा 4G जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल वो फास्टर है, ठीक है। द कनेक्टिविटी टू इनहेंस वेब कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन रिलायबिलिटी। कनेक्शन रिलायबल होता है 3G के मुकाबले, और कनेक्टिविटी भी काफी इनहेंस कर जाती है अगर हम 4G का यूज करते हैं तो। कनेक्टिंग योर PC टू 3G और 4G ब्रॉडबैंड। 3G और 4G ब्रॉडबैंड को PC से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ यू कैन बाई अ 3G और 4G USB मॉडम। ये मॉडम क्या होता है? मॉडम इज अ काइंड ऑफ डोंगल। डोंगल क्या होता है? देखिए मॉडम जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, ठीक है। अब ये मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है इस पर हम बाद में कभी बात कर लेंगे। यूएसबी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो ये चीज सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एंड फॉर द डिसाइडेड डाटा प्लान एंड सर्विस चार्जेस। इसमें कुछ सर्विस चार्ज हमें देना होता है अगर हम ये कनेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। यू कैन एक्सेस द इंटरनेट टाटा फोटोन। तो टाटा फोटोन तो काफी पहले आता था, आजकल तो जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब चीजें चल रही हैं, एयरटेल चल रहा है। और यहाँ पे देखिए एयरटेल का भी नाम दिया हुआ है। एंड नाउ मूव ऑन टू द क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? इंटरनेट द टर्म क्लाउड रेफर टू इंटरनेट। ओके सो सी हियर These days, a school seeking solution for school administration related to computer requirements has two options. दो ऑप्शन है अगर आप पूरे स्कूल में सारी चीजों को मैनेज करना चाहते हैं तो। पहला ऑप्शन देखते हैं, द स्कूल कैन परचेज सर्वर्स, या तो स्कूल सर्वर परचेज कर ले। सर्वर क्या होता है? सेंट्रलाइज नेटवर्क जो है सर्वर कहलाता है। और ये सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है? एक जगह से आप सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, पूरे स्कूल को मॉनिटर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वर, ठीक है। इंस्टॉल नेटवर्क, परचेज मल्टीपल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड इंप्लीमेंट दिस ऑल बियरिंग अ ह्यूज कॉस्ट। दिस कॉस्ट विल बी फॉलोड बाय मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट। और ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट है, सैलरी होगी, जो नेटवर्क इंजीनियर होगा उसको सैलरी देनी पड़ेगी। हार्डवेयर टेक्नीशियन आएगा, कुछ खराबी होगी तो, राउटर में खराबी आ गई या स्विच में खराबी आ गई तो वो आएगा देखेगा, तो उसको सैलरी देनी पड़ती थी। तो वो सारी चीजें
ये पहले ऑप्शन में यही सारी चीजें बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। स्कूल कैन हायर या फिर स्कूल हायर कर सकता है फ्रॉम सम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड हु हैव दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी के पास कोई इंजीनियर हो जिस जो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दे, या कोई कंपनी हो जो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दे जिससे हम पूरे स्कूल के डेटा को मैनेज कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है, अभी हाल ही में मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है, ठीक है, तो वो जिसपे आप पूरे स्कूल का डाटा मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा था, स्कूल कैन पे दैट सॉफ्टवेयर। अब इसके लिए स्कूल को कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है, हर साल। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो टर्म है वो इंटरनेट को रेफर किया जाता है। तो यहाँ देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ इंटरनेट कंप्यूटिंग वेयर क्लाउड इज द टर्म यूज्ड फॉर इंटरनेट। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि क्लाउड जो टर्म है वो इंटरनेट के लिए यूज होता है। इट इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर बाय शेयर्ड रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज ऑन डिमांड। तो ये क्या रहा है कि वेयर बाई शेयर्ड रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर शेयर किया जा सकता है, एंड इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड जो है सारी चीजें आ सकती हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है, इंटरनेट को ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये लगभग आपका ये पूरी की पूरी बुक समाप्त होने वाली है, तो उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में तुरंत पूछें, कमेंट कर सकते हैं आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया यूट्यूब पर जाकर के वहां से भी आप कमेंट कर सकते हैं हमको, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले टर्म की। टिपिकली क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स डिलीवर कॉमन बिजनेस एप्लीकेशंस ऑनलाइन दैट आर एक्सेस्ड फ्रॉम अनदर वेब सर्विस और सॉफ्टवेयर लाइक अ वेब ब्राउजर while the software and data stored on server। तो ये सर्वर की बात कर रहा है, हम लोगों के स्कूल में RNH Academy में जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो स्कूल के लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। वैसा ही एक सॉफ्टवेयर मैंने अभी हाल ही में बनाया है, मेरे पास पड़ा भी हुआ है, उसके लिए मैंने सिखाया भी है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, लेकिन ये जो टर्म है ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको नेटवर्किंग की जानकारी है तो आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो बहुत ही इजीली। बिजनेस एप्लीकेशंस ये प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, आर एक्सेस्ड फ्रॉम अनदर वेब सर्विस, और इसको एक्सेस किया जाता है अनदर सॉफ्टवेयर या अनदर वेब ब्राउजर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन होते हैं, तो कहीं से भी आप इसको खोल करके देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में क्या है, जिसके पास वो सॉफ्टवेयर होगा वही देख पाएगा, जो डेटा स्कूल ने फीड किया वही वो देख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, काफी ज्यादा इसके लाभ है, एडवांटेज माने होता है लाभ, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर, पहला है पीपल वर्ल्ड वाइड कैन एक्सेस द क्लाउड। अब कहीं भी रहेगा वो व्यक्ति, चाहे इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, जापान में रहे, रूस में रहे, कहीं भी रहे, वो उसको एक्सेस कर सकता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्लाउड का मतलब ही होता है इंटरनेट, लेकिन हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, मैंने कई स्कूलों में पढ़ाया है, तो जहां भी पढ़ाया मैंने, तो अभी तक तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ही यूज होता रहा। बड़े इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं, जहां मैं खुद पढ़ा हुआ हूं वहां पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, there is no need to spend big money on hardware software license fee। कह रहा है कि there is no need to spend big money। अब एक बार आप क्लाउड कंप्यूटिंग खरीदिए और एक साल तक इसको चलाइए और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लाइसेंस जो इसका लिया जाता है वो चूंकि एक ही साल के लिए मिलता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। यू हैव एक्सेस एनी टाइम एनी वेयर मेकिंग योर लाइफ सो मच इजियर, और आप अपनी एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, कहीं भी रहिए आप एक्सेस करते रहिए, देखते रहिए कि आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपके जो भी आपका संस्थान है, जो भी आपका ऑफिस है, उसमें क्या हो रहा है, कैसा सब चल रहा है, वो सारी चीजें आप एक जगह बैठ करके मैनेज कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर दिया हुआ है लेटेस्ट ट्रेंड, क्लाउड स्टोरेज इज अ टर्म दैट रेफर्स टू ऑनलाइन स्पेस, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कोई भी फिल्म डाउनलोड करनी होती है या गाना डाउनलोड करना होता है, आप यूट्यूब पे चले जाते हो ऑनलाइन देखना है, तो
तो वो सारी YouTube पे सारी चीजें कहाँ रखी जाती हैं, कहीं तो रखी जाती होंगी वो, उसको हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। वो ऑनलाइन रखी जाती हैं, वो इंटरनेट पर रखी जाती हैं, ठीक है, उसे हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। तो ये क्लाउड स्टोरेज जो टर्म है वो इसी से रिलेटेड है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, दिस स्पेस इज नॉर्मली रिमोटली लोकेटेड सर्वर्स, और ये सारी चीजें दी हुई हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी बताए गए हैं, जिसमें गूगल ड्राइव दिया हुआ है, ड्रॉप बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लाउड स्टोरेज के सॉफ्टवेयर है, स्काई ड्राइव दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और ये सारी चीजें, तो इसको भी एक बार आप रिपीट करेंगे, ये रिविजन टाइम जो दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बताइएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर बात करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपको खुद से करके दिखाना है, मैं यहां पे बता देता हूं। द रिमोट कंट्रोल यूजिंग विच यू स्विच ऑन ऑफ एंड कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ टीवी एयर कंडीशनर यूज द, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो इंफ्रारेड यूज होती है। चलिए, टेक्नोलॉजी यूज ए शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक्स टू कनेक्ट एंड रिप्लेस द नेसेसिटी ऑफ केबल्स, तो ये ब्लूटूथ होगा सेकेंड में, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, जोन इज इनेबल्ड विथ हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये सब आपको खुद से करके दिखाना है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें करिएगा, ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं अभी आपको पूरा आंसर बता देता हूँ, आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी आपको मैच करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ, तो आपने ब्लूटूथ अभी पढ़ा है कि ब्लूटूथ क्या होता है, ठीक है। तो ब्लूटूथ क्या होता है, इसको इससे मैच कीजिएगा। अच्छा, वाईफाई टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, ये भी आपको मालूम है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, तो क्लाउड स्टोरेज आप बताएं क्या होता है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। इसमें से पढ़िए और इसको टिक कीजिए और देन हमें बताइए, मैं आपको आंसर्स व्हाट्सएप कर दूंगा इन सारे चीजों के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीजों को आपको खुद से करना है, क्योंकि एक एक चीज मैंने डिफाइन करा है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, ये चीज तो आपके लिए काफी आसान हो गई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस एंड जीपीआरएस, तो ये सब जानते ही आप, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, वाईफाई क्या होता है, वाईमैक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। और यहां पर आंसर द फॉलोइंग ये भी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, तो ये आप जो जब मैं पढ़ा रहा था तो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ब्लूटूथ बहुत छोटे रेंज के लिए यूज होता है, ठीक है, और वाईफाई काफी बड़े रेंज के लिए, 30 मीटर के लिए यूज होता है, कहां ब्लूटूथ 5 से 7 मीटर कैच करता है और कहां जो है वाईफाई 30 मीटर या 30 मीटर तक कवर कर सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड वाईमैक्स, 50 किलोमीटर तक जाता है वाईमैक्स और ये 50 मीटर तक जाता है, तो दोनों में काफी 30 मीटर तक जाता है, तो दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन, 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन, ये तो एक डिफरेंस तो यही क्लियर हो जाएगा। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये तो आप जानते ही हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आपको थोड़ा मेहनत करना है, एक एक चीज जब मैंने बताई है तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी सपोर्ट देंगे और इन चीजों का आंसर मुझे जरूर बताएंगे। तो मैं इंतजार कर रहा हूं, आप कमेंट में चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप करके बताना चाहे तो व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, जरूर बताएं, और इस सारी चीजों का आंसर भी मुझे लिख करके जरूर दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।